हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमिताज किचन, कुछ मीठा कुछ नमकीन। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही अच्छी स्नैक रेसिपी, पालक के कबाब, जिसमें हम स्टफिंग करेंगे पनीर की। आइए मैं आपको सबसे पहले आपको उसके इंग्रेडिएंट्स दिखा देती हूँ। इसमें मैंने हाफ के जी पालक ली हुई है, इसको मैंने बॉईल करके पीस के महीन, अच्छे से महीन पीस के रखा हुआ है। और ये 4 टेबल स्पून बेसन है, और ये फिलिंग के लिए अराउंड 100 ग्राम्स मैंने पनीर मैश करके रखा हुआ है। और फिलिंग में डालने के लिए देखिए धनिया है, ये काजू महीन काट के रखी हुई है, और ये ग्रीन चिलीज है, और ये है देसी घी लिया हुआ 2 टेबल स्पून। तो सबसे पहले हमने करना है बेसन को, सबसे पहले बेसन को भून लेना है हमने सूखा। और बाकी ड्राई स्पाइसेस डालेंगे, वो मैं आपको डालते समय कितना डालना है क्या है वो मैं आपको बता दे रही हूँ। इसको हमने ये 4 टेबल स्पून जो हमने ये लिया है बेसन, इसको हमें सूखा, कोई ना ऑयल डालना है कुछ करना है, ऐसे ही इसको भून लेंगे। इसको तेज आंच पे कर लीजिए और इसको भूनते रहेंगे, अराउंड 3 से 4 मिनट लग जाएगा इसको भूनने में। ये देखिए मैंने अराउंड 4 मिनट इसको भून लिया। बेसन को बहुत नहीं, एक अच्छी भुनने की स्मेल आने लग जाए ना, फिर आप गैस बंद कर दीजिएगा। और इस बेसन को हम फिर इसके बाद प्लेट में निकाल देंगे करके। और इसके बाद अब इसी पैन में, अब हम इसी पैन को यूज कर लेंगे, अब हम इसमें ये डालेंगे ऑयल। ये हम अराउंड, देखिए मैंने बताया था आपको 2 टेबल स्पून ऑयल लिया। अब कोई भी करिए, मैंने देसी घी यूज किया, आप रिफाइन कर सकते हैं। इसके बाद हम गैस ऑन कर लेंगे और इसमें देखिए जरा सा ये मेल्ट हो जाए घी। इसके बाद हम इसमें हम डाल देंगे ये पालक जो की हुई है, साथ साथ होते रहेगा घी। अब हमें इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, इसमें हमें इस पालक को धीरे धीरे चला के सुखाना है। को देंगे आप स्लो फ्लेम पे, आप बीच बीच में थोड़ी देर के लिए हाई फ्लेम कर लीजिए, फिर स्लो फ्लेम कर लीजिएगा। और इसको ऐसे ऐसे हिलाना है कि जिससे कि ये नीचे लगे ना पालक, और पालक को सुखाना है। 5 मिनट तक हम इसी तरह पालक को हिलाते रहेंगे। ये देखिए हमने 4-5 मिनट इसको हाई फ्लेम पे कर लिया हिलाते रहते। अब इसके बाद हम इसमें ये जो बेसन भून के रखा था, अब हमें इसमें ये मिक्स कर देंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेना और इसको फिर भूनना है। इसको मिक्स करके देखिए इस तरीके से अच्छे से हमने बेसन मिक्स कर लिया है। अब इसको हमें फिर अराउंड हमें लगेगा, इसको देखिए इस तरह से मिक्स कर करके हिलाते रहेंगे। हमें ये पालक को बिल्कुल सुखाना है बिल्कुल, और ये सूख जाएगी जल्दी क्योंकि अब हमने इसमें बेसन मिक्स कर दिया है ना, तो इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब इसको हिलाते रहेंगे ऐसे ऐसे मिक्स करके, इसको अराउंड हमें 5-7 मिनट और करते, फिर देखते हैं कि हो गया है या इसको और करने की जरूरत है। ये देखिए हमने इसको 5 मिनट कर लिया है, ये देखिए काफी कुछ हो गया है। अभी भी हमें इसको थोड़ी देर और करना है, अभी मैं इसको करती हूँ 2-3 मिनट मेरे ख्याल से इसको अभी और लग जाएगा। इसको इसी तरीके से सुखाना है, देखिए इसी तरीके से। ये पालक के कबाब है, आजकल विंटर सीजन है तो पालक बहुत अच्छे से आ रही है, बहुत बढ़िया पालक आ रही है, तो आप इसको ट्राई ज़रूर करिएगा, बहुत ही टेस्टी बनते हैं ये। और पालक आपको पता है कितनी हेल्दी होती है, और बनते भी बहुत अच्छे हैं ये कबाब। चलिए आपको इसी तरीके से इसको हिलाते रहेंगे इसको। ये देखिए हमने 5 मिनट और कर लिया है, अब ये हमारा बिल्कुल लगभग ये देखिए बिल्कुल रेडी हो गया है, आपको खुद पता चल जाएगा। ये देखिए जब मैं लगेगा आपको लगेगा कि हाँ अब इसकी टिक्की बन सकती है, और ठंडा होने के बाद और ज़्यादा, अभी तो इसमें ऑयल भी है तो स्टिफ हो जाएगा। ये देखिए अब इस टाइम पे हम इसको
ये देखिए हमारा बढ़िया हो गया। अब हम गैस बंद कर देते हैं इसको और अब हम फिलिंग का देखिए बता देती हूँ आपको। तब तक देखिए फिलिंग के लिए मैंने ये पनीर लिया था ना, पनीर की स्टफिंग करेंगे इसके। इसके अंदर ये ग्रीन चिलीज ऑप्शनल है, अगर कोई बच्चा या बड़ा खा रहे हैं आप नहीं डालना चाहते तो अवॉइड कर सकते हैं। ये काजू मैंने डाले थे 7 से 8 पीस महीन काटे हुए थे, ये और धनिया डाल देंगे ना आपको यूज करना है सॉरी, और इसमें डाल देंगे ये देखिए थोड़ी सी रेड चिली डालेंगे, सॉल्ट डाल देंगे, ये मैं फिलिंग का आपको बता रही हूँ ठीक है। इसमें सूखा धनिया डालेगा, थोड़ी सी पेपर डलेगी, जीरा डलेगा पिसा हुआ, और थोड़ा सा चाट मसाला डलेगा इसमें, और थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे बहुत थोड़ा सा, और बाकी सॉल्ट एंड मिर्ची आप कैसा डालना चाहते हैं, कितना आपको पसंद है तीखा, उसके बाद आप इसको हम लोग मिक्स कर लेंगे इसको फिलिंग को। और उसके बाद जब हमारा ये ठंडा हो जाएगा बाकी, उसके बाद हमने कबाब तब बनाते हैं। आपको मैंने फिलिंग बता दी है, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे सारा फिलिंग का जो जो हमने डाला है। ये हमारी ये पालक के जो कबाब है उनकी ये फिलिंग है, अंदर हम इसको फिल करेंगे। और ये ठंडा हो जाता है ये वाला देखिए, तो फिर इसके बाद हम आइए मैं आपको बताती हूँ इसको कैसे करके फिर हम कबाब बनाते हैं। ये देखिए हमारा ठंडा हो गया, अब हम इसको यहाँ बाउल में इसमें ट्रांसफ़र कर लेते हैं, फिर इसमें मिक्स करेंगे ड्राई स्पाइसेस और उसके बाद फिर हम कबाब बनाएंगे। चलो हम कबाब बनाते हैं। अब इसको हमने बाउल में डाल लिया है तो अब हम इसमें मसाले डालेंगे। इसमें देखिए हम सॉल्ट डालेंगे, सॉल्ट टू टेस्ट डालेंगे, और रेड चिली डालेंगे थोड़ी सी, थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे, सूखा धनिया डालेंगे थोड़ा सा, और थोड़ी सी काली मिर्च डालेंगे, और पिसा जीरा डालेंगे, और थोड़ा सा ये अमचूर पाउडर डाल देंगे। अब इसको हमने और ये थोड़ा सा धनिया डाल देंगे इसमें। और मैं आपको बता रही जब मैंने पालक पीसी थी, 1/2 kg पालक ली थी आपको पता होगा, तो उसमें मैंने एक ग्रीन चिली भी डाल दी थी बड़ी सी पीस ली थी साथ में, जो उसका एक अलग सा ही टेस्ट आता है पिसा हुआ। अगर आप नहीं डालना चाहते तो कोई बात नहीं, अब इसको अच्छे से मैश कर लेंगे। ये देखिए सारे मसाले मिक्स कर लेंगे, अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। अब हमने बनाना है इसको देखिए, अब इसकी फिलिंग करनी है, तो इसके लिए आप थोड़ा सा जैसे ये ऑयल या घी जो भी लिया आपने ये ले लेंगे हाथ में, इसका गोला बना लिया आपने। साइज़ आपके ऊपर करता है कि आप कितना बड़ा बनाना चाहते हैं, मैं दो तरीके बता दूँगी इसके बनाने के। एक ऐसे देखिए आपने ये टिक्की टाइप का ये लंबा लंबा बना लिया हाथ से दबा के, इसमें ये पनीर की जो फिलिंग हमने बना के रखी थी ये देखिए स्टफिंग, थोड़ी सी ज़्यादा ही फिलिंग करेंगे जो उसका मज़ा आता है अंदर से। ये देखिए ये देखिए ये हो गया, इसको टिक्की की शेप में। अब साइज आपको कितना बड़ा बनाना है ये देखिए, फर्स्ट क्लास टिक्की बन गई है। अब इसको हम बना बना के इसी तरीके से सारी रख लेते हैं, इसके बाद हम इनको फ्राई करेंगे। देखिए मेरी टिक्कियाँ बन गई हैं, मैंने इसमें स्टफिंग करके बना दी है। इधर मैंने एक तवा गरम कर लिया है नॉन स्टिक, उसमें ऑयल डाल देंगे। अब ये ऑप्शनल है कि आप कौन से ऑयल में बनाना चाहते हैं। इसके बाद एक एक करके इसको इस पर डालते जाएंगे। अभी आप तुरंत आप देखेंगे रेसिपी, आपको अच्छी लगे तो तुरंत ट्राई करिएगा, क्योंकि अभी तो पालक आ रही है बहुत अच्छी मार्केट में, और कुछ टाइम के लिए ही है, तो इसको एक दो बार बना लीजिए फटाफट और खाइए। देखिए सब लोग बहुत पसंद करेंगे ये, तो जैसे आप नॉर्मली कबाब को करते हैं, थोड़ा थोड़ा ऊपर ऑयल लगा देंगे। होने देंगे इसको 2 मिनट, आप पीछे से थोड़ा सा हो जाएगा, अभी हिलाएंगे नहीं, थोड़ा सा पीछे से हो जाए पक जाए तब उसके बाद उसको पलट देंगे।
देखिए अभी इधर से मैंने चेक करा है, ये देखिए इधर से फर्स्ट क्लास हो गई है। अब हम इसको पलट देंगे। ये वाली साइड वाली बहुत अच्छे से बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो गई है एक साइड से। इसी तरीके से हम इस साइड से भी कर लेंगे और इन वालों को दोबारा से थोड़ा सा पलट के एक बार और हल्का हल्का, ये देखिए हाथ से ज़्यादा नहीं दबाएंगे क्योंकि अंदर फिलिंग है तो बाहर आने लगेंगे। हल्का हल्का दबाएंगे इसको इस तरीके से। अगर आपको ऑयल की ज़रूरत और लग रही हो तो आप डालना चाहें तो और डाल सकते हैं थोड़ा सा। ये देखिए हमारी बिल्कुल तैयार हो गई है कबाब, पालक के कबाब, स्टफ्ड कबाब पालक के कह सकते हैं हम। ये बहुत ही हेल्दी तो होते ही होते हैं और टेस्टी भी बहुत बनते हैं। ये देखिए अब हमारे तैयार हो गए। आलू को बिल्कुल अच्छे से दोनों साइड से हमने कर लिया और आलू को सर्व कर देते हैं। आइए इसकी प्लेटिंग कर देते हैं हम लोग। देखिए मैंने इसको प्लेटिंग कर दी है इसकी, आप इसको ज़रूर बनाइए। इसको मैंने धनिया की चटनी और ये सिरके वाले, मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ, इसमें मैंने सिरका या नींबू डालती हूँ, लाल मिर्च और नमक। तो ये आप इन प्याज के साथ सर्व करिए क्योंकि कबाब तो बिना प्याज के अच्छे ही नहीं लगते। और बताइए कि कैसे लगे आपको, और आप मेरा चैनल के अगर वीडियोज़ देख रहे हैं और आपको कैसे लग रहे हैं वो भी बताइएगा। आपको अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिएगा प्लीज़। थैंक यू सो मच। थैंक यू फ्रेंड्स। थैंक यू।